Dear students, hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I should Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know, that we are discussing about chapter 14, electric current and its effect. And in that chapter, now we will continuing with the magnetic effect of electric current. So वेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से पास होती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है इनफैक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग इनफैक्ट क्या है एक इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है आपके लिए लेटस ट्राई इट आउट नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेट एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट सिक्स टेक अराउंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंस्यूलेटेड फ्लेक्सिबल वायर आपको क्या करना है सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर एक लॉन्ग पीस लेना है इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर का इंसुलेटेड मीन्स प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड और इनामल्ड वायर जिसके ऊपर प्लास्टिक कवर हो वैसा वाला आपको वायर लेना है एंड एन आयरन नेल वन आयरन नेल से अबाउट सिक्स टू टेन सेंटीमीटर लॉन्ग वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉल अब आपको क्या करना है इसके अराउंड नेल के अराउंड वायर आपको टाइटली वाइंड करना है कॉइल की तरह कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल थ्रू अ स्विच आपको एक सेल और एक वायर से इसके दोनों एंड्स को वायर के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देना है नाउ प्लेस सम पेंस ऑन और नियर द एंड ऑफ द नील अब क्या करेंगे नील के पास कुछ पेंस आप रख देंगे ठीक है नाउ स्विच ऑन द करंट व्हाट हैपन्स अब आप स्विच ऑन कर दीजिए फिर देखिए क्या होता है डू द पेंस क्लिंग टू द टिप ऑफ नील क्या ये जो पेंस हैं ये इस नेल से क्लेंग हो जाएंगी यस yes. ये सारी जो पेंस हैं ये इस नेल से क्लिंग हो जाएंगी क्योंकि ये क्या करने लगेगा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और मैग्नेट से जो आयरन के जो पीसेस होते हैं वो उस पर क्लेंक हो जाते हैं ना इसीलिए स्विच ऑफ द करेंट फिर स्विच ऑफ कर दीजिए आर द पेंस स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ नेल नो क्या अभी इससे अगर आप स्विच ऑन ऑफ कर देंगे तभी ये इससे क्लिंग रहेंगी नहीं द कॉयल इन द अब एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट वेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट ये जो कॉयल है इस एक्टिविटी में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होती है ठीक है जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑफ होगी तो कॉयल वो क्या कर देगी अपना मैग्नेटिज्म लेफ्ट कर देगी लूज कर देगी सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रो इस तरह के कॉइल्स को क्या कहते हैं इलेक्ट्रो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो हो रही है ना और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है द इलेक्ट्रो मैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रांग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स इलेक्ट्रो जो है वो स्ट्रांग भी बन सकती हैं काफी ठीक है उन्हें स्ट्रांग भी बनाया जा सकता है और वो हैवी लोड काफी हैवी लोड भी वो लिफ्ट कर सकती है क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर थर्टीन रीड किया था उसमें आपने crane के बारे में पढ़ा था तो द एंड ऑफ अ क्रेन हैज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो मैग्नेट अटैच टू इट क्रेन का जो एंड होता है उसमें एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रो मैगनेट अटैच होता है जो कि यूज किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल को जंक में से सेपरेट करने के लिए है ना तो जो जंक होता है उसमें क्रेन ले जाया जाता है और उसमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इन्हीं इसी क्रेन की इलेक्ट्रो का यूज किया जाता है डॉक्टर यूज टाइनी इलेक्ट्रो टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मैटीरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई जब कभी आए में हमारी आंखों में एक्सीडेंटली कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल गिर जाता है ठीक है तो उनको भी निकालने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रो का ही यूज करते हैं मेनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रो मैग्नेट्स इनसाइड दैम बहुत सारे टॉयज में भी इलेक्ट्रो होते हैं